अधीरो दोस्तों साथियों सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दावते तौहीद को लेकर दुनिया में मबूस हुए तो उन्होंने दुनिया के अंदर तमाम बातिल कुवतों को नकारा और खबरदार किया कि देखो वो वक्त आ चुका है कि जब इस दुनिया के अंदर जितनी बादल ताकते हैं वो सब खत्म हो जाएगी, अब तौहीद का फेरा लहराए। और साथियों फिर आपको मालूम है कि इस्लाम किस तरीके से फैला। सहाबा इकराम की वो जमात जो नफूस कुदसिया के ऊपर मुश्तमिल थी, जिन्होंने इस दीन को फैलाने के लिए दिन रात बसर कर दिया और उनकी कुर्बानियां रंग लाई, और फिर उन लोगों ने इस्तकामत और इस्तकलाल की वो दास्तानें रकम की कि तारीख उनकी मिसाल देने से कासर है। खुद सैयद अल-अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी मुश्किलात और जितने मसाइब उनके ऊपर आए कि वो वक्त भी आता है। एक शफीक चचा है, मक्के वाले इकट्ठे हुए जाते हैं और आके उनसे कहते हैं कि हमारे ये नौजवान जिनको हम साथ लेके आए हैं, इनमें से कोई भी जो खूबसूरत बच्चा है उसको तुम पसंद कर लो, लेकिन मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो। ये हमको लुभाता है। अबू तालिब ने जब जरा बात की, अल्लाह के रसूल ने मेरे भाइयों जो अल्फाज कहे वो आप सबको मालूम है। आपने कहा चचा क्या बात करते हो, कभी दौलत का लालच कभी अमानत का लालच, मुख्तलिफ किस्म के पेशकशें की जाती हैं। मैं इन सब के जवाब में एक ही बात कहता हूं, मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो एक पे चांद रख दो, इस दावत को छोड़ने के लिए मैं तैयार। ये दावत हक है। और मेरे अजीजों फिर उसके बाद वो वक्त आया कि जब वही जुर्मत कदा जो है वो बुकाए नूर बन जाता है, फिर जमीन जाती आसमान जाता इस्लाम तेजी के साथ फैला। और इस्लाम ने वक्त भी आया कि वही मक्का जहां से सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम बेबसी के आलम में निकाले गए थे, वो वक्त भी आया जब उसको पुतों से पाक किया गया। जाल हक वजाहक अल बातिल इन अल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया बातिल भाग गया, इसलिए कि भाइयों हक जो है वो गालिब होने के लिए आता है। और मेरे रब ने भी यही बात कही कि युरीदून अन युत्फिअ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, जो इस्लाम की दावत दुश्मन कुवतें हैं उनकी ख्वाहिश उनकी कोशिश उनकी ख्वाहिश यही है कि इस्लाम को जो है वो हम नेस्त और नबूद कर दें। अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। साथियों रब ने फिर इस्लाम को घर बता दिया। और आज मैं फिर उन सुहाबा को उन अम्मा हुदा को उन मुहद्दिसीन को खराजे तहसीन पेश न क्यों ना करूं कि जिनकी बदौलत आज हम मुसलमान बैठे हुए हैं। हमारे पास ज़खीरे हदीस की सूरत में तफसीरों की सूरत में इस्लाम असली हाथ में मौजूद है। बात को मुख्तसर करते हुए कि बात जो कि मैंने आपके सामने रखनी है वो मसलक अल हदीस के हवाले से रखनी है। इतनी बात कहूंगा कि वो सिलसिला जो सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने एक पेशकश कही थी, एक पेशीनगोई कही थी, और वो ये थी कि ये ताइफा मंसूरा है, ये हक की जमात है, हमेशा हमेशा इस दुनिया के अंदर रहेगी। मुश्किल आती रही, तकालीफ आती रही, और फिर तारीख आलम ने मेरे भाइयों को दौर भी देखा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर अहल हदीस के हामरीन बहुत कम रहे। मेरे बुजुर्ग यहां पे मौजूद हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान के अंदर उन मसाजिद को देखा है जिसकी पेशानी में लिखा होता था कि यार वहाबियों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। हम मस्जिदों में जाया करते थे, लोग मस्जिदों को गुसल दिया करते थे,
और मेरे भाइयों, आज मेरा कायद यहां पे मौजूद है। अपने कायद की मौजूदगी में मैं सीना तान के जवाब कहता हूं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस एक कुव्वत है, एक जमात है, एक ताकत है, वह ताकत है कि जिसके मुखालफीन जो है, जो कल तक हमारे साथ हाथ मिलाने को वादा नहीं करते थे, आज अल्लाह के फजल से हमारे साथ बैठना अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। ये बात जज्बाती बात नहीं है। हमारे उलमाए किराम, हमारे बुजुर्ग, हमारे मुअल्लफीन, हमारे मुसन्निफीन, हमारे दुआत, उनकी कोशिशें, उनकी मेहनतें, उनकी तकद्दुर वो रंग लाए, और फिर वो इल्म जिसके बारे में सैयदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी उम्मत को हिदायत दी थी कि देखो इल्म को तुमने हासिल करना है, उसको जरूरी करार दिया था, उसको फर्ज करार दिया था, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कहा था कि हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून, कि देखो कभी जाहिल और पढ़े लिखे भी बराबर हो सकते हैं। जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था कि यरफउल लदीन आमनु मिनकुम वल लदीन उतुल इल्म दरजात, जो अहले इल्म हैं उनके दर्जात बुलंद होते हैं, उन उलमा की मेहनतें जो है वो रंग लाए। आपको याद होगा कि शेखुल कुल मियां नदीर हुसैन मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह 60 साल तक दिल्ली के अंदर हदीस को पढ़ाते हैं। गजनवी खानदान की एक शख्सियत हदीस पढ़ने के लिए जाती है, अपना वाकया बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरा, कुली की तलाश में था, मैंने देखा एक छोटे कद के आदमी आया, उसने बढ़ के मेरी गठरी उठा ली, मैं कहता रह गया कि मैं खुद उठा लूंगा, पूछा कहां जाना है, मैंने कहा हजरत मियां साहब के मदरसे में जाना है, पूछा क्या देने जा रहे हो, कहा हदीस पढ़ने जा रहा, मेरी कठरी को उठाया, रात का वक्त, मैंने जाके पूछा मियां साहब कहां है, जवाब मिला कि सुबह फजर की नमाज जो है वही पढ़ाते हैं। कहते हैं फजर हुई, सफेद दुरुस्त हुई, मेरी चीखें निकल गई, मैंने देखा कोई शख्स जिसने कठरी उठाई थी रात को वही मुसल्ले में खड़ा है, उसी का नाम शेखुल कुल है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारे इन मुखलिस उलमाए किराम, हमारे इन मुखलिस उलमाए किराम और दाई जो है उनके कोशे रंग लाए, और आज वो वक्त आया है, लोग बड़ी बातें करते हैं, और मेरे अजीजों में आज आपको बताऊं, मैं नवीद मुसर्रत लेके आया हूं, मैं आपको तफसील का दूसरा रुख बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नेटवर्क हमारे मदरसों का मौजूद है कि इसकी मिसाल जो है वो दूसरा कोई फिरका नहीं दे सकता। मुझे हजरत बात याद आती है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के ऊपर मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक बहुत बड़ी जमात जिसके एक बहुत बड़े आदमी, नाम नहीं लेना चाहूंगा कि साथी नाराज ना हो जाए, गुफ्तगू शुरू हो गई उनसे, उन्होंने कहा जी हमारी इतनी तमीम है, हमारी इतने दर्श होते हैं, रियाज की उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा जी मैं हिंदुस्तान से तो ताल्लुक था, कहने लगा कि रियाज के अंदर हमारे 14 हल्के हैं, 16 हल्के हैं, और उसके अंदर हमारा हर मोर्चे हफ्ता बार दर्ज होता है, अलग हदीसों का क्या काम होता है। मैंने उनसे कहा हजरत सीना थाम के सुनो, तुम्हारे 16 दर्ज एक तरफ, हमारे अकेले डॉक्टर फजल भाई साहब का दर्ज एक तरफ, काबे का रब गवाह है। जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, हकायक की बुनियाद पर कहता हूं। मैंने कहा इल्मी एतबार से देख लो, अफरादी एतबार से देख लो, तुम्हारे 16 हल्के जो है वह एक तरफ है, और हमारे डॉक्टर साहब का दर्द होता है, खुदा की कसम कदम रखने की जगह नहीं है। और मेरे अजीजों, कोई ये ना कहे कि वो मसाजिद जो कल तक हमारे लिए बंद होती थी, आज अल्लाह का फजल है हमारी मस्जिदें जो है उनकी तादाद एक एक बस्ती के अंदर, एक एक शहर के अंदर जो है वो सैकड़ों से मुतजावज है। आमतौर पर साथी कहते हैं जी इख्तलाफ बड़ा है, झगड़े हैं जी, जमात इकट्ठी नहीं है। मैं इसकी नफी नहीं करता, मुझे एतराफ है, लेकिन भाइयों मैं आपको यह भी बात बता दूं,
हमेशा जब भी बैठे हैं कभी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखा करें। ये ठीक है आपस में इख्तलाफात है, हम चाहते हैं कि हमारी सारी जमातें इकट्ठी हो जाए, लेकिन कभी कभी जो इख्तलाफ होता है उसके अंदर भी खुदा की रहमत जो है वो पैदा हो जाती है। मुझे याद है एक दफा हम रियाद में चंदा इकट्ठा करने के लिए गए, एक बहुत बड़े सऊदी शेख के पास गए, गुफ्तगु शुरू हो गई। सऊदियों ने जब चंदा नहीं ना देना होता तो इस्लाम की बातें शुरू कर देते हैं, वो कहते नहीं तुम्हारा आपस में इस्तराफ है, हम चंदा किसको दें, ये मरकजी जमीयत है, ये फलाह मुतला जमीयत है, ये फलाह है। बड़ी देर तक मैंने उनको कायल करने की कोशिश की कि हजरत आप हमें कोई चंदा बंदा दें, वो उस तरफ नहीं आए, मेरे भी काम पक गए। जब बात जो है इंतहा को पहुंच गई तो मैंने उनसे कहा हजरत मुझको एक बात बताओ, ये बताओ कि तुम मरकजी जमीयत अल हदीस को कितने देर से जानते, पाकिस्तान के हदीसों से कब से तुम्हारी वाकफियत है। उसने कहा 7-8 साल से जानता। मैंने कहा अपने सीने पे हाथ रख के बताओ कि 8 साल के अंदर हमने तरक्की की है या तरक्की का शिकार हुए। लाहौर के अंदर मेरे भाइयों इस वक्त कम अज कम 200 से ज्यादा हमारी मसाजिद, फैसलाबाद के अंदर, गुजरावाला के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, और इस वक्त अल्लाह के फजल करम से पेशावर से लेकर कराची तक कोई बस्ती बड़ी ऐसी नहीं है जहां पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा वहां पे मौजूद है। और खास तौर पर मैं ये बात कहूंगा कि लड़कियों के मदरसों के सिलसिले में जितना इस वक्त नेटवर्क हमारा पंजाब के अंदर मौजूद है वो किसी दीगर जमात का मौजूद नहीं है, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहनाफ हो, चाहे वो जमात इस्लामी वाले हो या दीगर जमात हो। अल्लाह का फजल है वहां से जो लड़कियां निकल रही हैं, अभी पिछले हफ्ते की बात है बाजी शरिया के मदरसे में मिला वाले से लोग आए हुए थे मेरे पास, 850 बच्ची जो है वहां पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं एक मदरसे के अंदर। मेरे भाइयों जरा सोचे, जरा गौर करें, ये जो दीन फैल रहा है, जो बच्ची वहां पे तालीम हासिल कर रही है, जब वो कल को मां बनेगी, जब वो कल को ब्याही जाएगी, वो जिस घराने में जाएगी वहां पर नूर की शमा रोशन होगी या नहीं होगी। इसलिए मायूसी की कोई बात नहीं है। हजरत ग्रीन लेन की तरफ, ग्रीन लेन पर जिन लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी की हैं वो पुलिस उसको आकर वो वहां से ले जा रही है, क्लैंप कर रही है, लिहाजा ग्रीन लेन पर खड़ी हुई सारी गाड़ियां वहां से आप मूव कर दें। तमाम हजरात खामोशी से खिताब को सुनने की कोशिश करें, जिन हजरात की गाड़ियां सिर्फ ग्रीन लेन पे खड़ी हैं वही सिर्फ यहां से उठकर जा रहे हैं। भाइयों जरा तवज्जो मेरी तरफ कि मैं अपनी बात को बिल्कुल समेट रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मसलक अल हदीस पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ जो है वो फैल रहा है। जहां तक हमारा दावती किरदार है उसके जिक्र के बाद मैं इस बात की तरफ आऊंगा कि जमात अल हदीस का सियासी अमेर भी मौजूद है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस स्टेज पे सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब मरकजी जमीयत अल हदीस के अमीर मौजूद हैं। अल्लाह का फजल है मेरे भाइयों कि अल हदीस जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, जिनका कोई सियासी अमेज नहीं होता था, आज अल्लाह के फजल से हमारी नुमाइंदगी सेनेट के अंदर भी मौजूद है और कौमी असेंबली के अंदर भी मौजूद है, सूबाई असेंबली के अंदर भी मौजूद है। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है और हमारे जो कायदीन हैं उनकी कोशिशों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमेज जो है और पाकिस्तान से थोड़ा सा निकल के हमारे भाई अब्दुल वहाब खिलजी साहब आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल है। अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में बसा गए। और इस बात को हम क्यों जिक्र न करें कि जिस शहर के अंदर आप बैठे हुए हैं
जिस मुल्क के अंदर आप बैठे हुए हैं, बरतानिया के अंदर, कितनी देर की पहले की बात है, अभी उस बात को कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब यहाँ पे अकेले मौलाना महमूद अहमद भीमपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, कितनी हमारी बरातें थी, कितनी हमारी मसाजत थी। लेकिन अजीजो दोस्तों साथियों, आज अल्लाह का फजल है कि बस्ती बस्ती करिया करिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की मसाजत जो है वो वहां पे बन चुकी है, यहाँ के हमारे मरकज बन चुके हैं। और ये सिलसिला सिर्फ यूरोप की हद तक नहीं है, मुझको अमेरिका में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर अहले हदीसों की मस्जिदें जो है वहां पे मौजूद है। अयाना के नाम से, अत्तजम्मुल इस्लामी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियों की तंजीम जो है वो बड़े ही मुअस्सर अंदाज के अंदर काम कर रही है। कल हमारे भाई फ्रांस से आए हुए थे, आज उन्होंने यहाँ पे खिताब भी किया, वो भी यही बात कह रहे थे कि हम अपनी मस्जिद जो है वो पेरिस के अंदर बना रहे हैं, इस सिलसिले में हमें तआवुन की जरूरत है। और मैं एक बात की तरफ बहुत ही बतौर खास आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि आमतौर पर हमारे साथ ही घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है और हमारी मुश्किल जो है बहुत ज्यादा है। दो महीने पहले की बात है, मुझको नाइजीरिया में जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमने हौसा जवान के अंदर कुरान पाक शाया किया, उस सिलसिले में जब मैं वहां पे पहुंचा जहां दूसरी बातें बहुत सारी हुई, आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि जी कादियानों का बड़ा काम है, सेटेलाइट उनके पास है, पैसा उनके पास है, उनके बड़े दाई हैं, उनकी बड़ी वहां पर जदोजहद। तो जहां बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर मुझे बताएं कादियानियों का यहां पे क्या काम। इसी तरह ईसाई मिशनरियों के बारे में आपने बारहा सुना होगा कि जी ईसाई मिशनरियां जो है वो उनके पास बड़े वसायल हैं, उनके पास टेलीविजन है, नेटवर्क है, फलां है, पेशवार बातें हैं जिनको यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं। अपने भाइयों से मैंने पूछा, मैंने कहा कि मुझे जरा बताएं, कुछ फिक्र ऐसी है कि वो लोग जो मुसलमान थे उनमें कितने ईसाई हो गए। और ये बड़ा अहम सवाल है, कितने ऐसे लोग थे जो अफ्रीका के अंदर मुसलमान थे और अब ईसाई हो गए। जो जवाब मुझे मिला उसको मुलाहजा कर, मैंने पहले अर्ज किया कि मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा हजरत बात यह है, असल में ये अफ्रीका वाले बड़े अजीबो गरीब लोग हैं, बड़े लालची लोग। उन्होंने कहा बात यह है कि पैसा जरूर लेते हैं उनसे, ईसाइयों से, उनके मदरसों में ही पढ़ते हैं, उनके पास जाके इलाज भी करवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद वो फिंगर टिप्स होंगे, उंगलियों के ऊपर गिनने वाले लोग होंगे जो कि जिन्होंने ईसाइयत को कबूल किया। और फिर मैंने पूछा कादियानियों की क्या हालत है, उन्होंने कहा जी कादियानियों की भी हालत यही है कि अपने सारे मसाल के बावजूद, अपनी सारी ताकत के बावजूद, चंद गिनती के लोग होंगे कि जिनको वो गुमराह करने में कामयाब हुए। और ये गुनाहगार इस बात का दुआ है, मैंने कानों के अंदर खुदा की कसम मस्जिदें भरी हुई देती है हदीसों के साथ, बेख्तियार मेरे लबों में यह बात आई, मैंने कहा अल्लाह ने कहा था होती है, बड़ी तेजी के साथ आती है, लोग जो है उससे बड़े मुतासर होते हैं, लेकिन झाग झाग होती है वो खत्म हो जाती है। जो हकीकत है, जो असल होता है, वो लोगों के दिलों के अंदर घर कर जाता है। वहां पे जो हमारी जमात है उसका नाम ही है अदालत अल विदा व इकामत सुन्नत। नाम ही देखिए कितना प्यारा नाम है, अदालत अल विदा व इकामत सुन्नत। तो उनका काम यह है कि वो बिदत को खत्म करते हैं और सुन्नत को कायम करते हैं। अथूपिया के सिर्फ दो महीने पहले का वाकया, वहां पे हमारे कुछ दाई गए, मदीना यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र बतौर खास करना चाहूंगा कि मैंने नोट किया जिस जिस जगह से भी हम गए हैं वहां पर कि जामिया इस्लामिया का रोल बड़ा गहरा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से जो उलमाए किराम की टीमें निकली हैं, आपको याद होगा हमारे अल्लामा एहसान अली रहमतुल्लाह जो है वो भी वहां से निकले हुए थे, मौलाना महमूद अहमद मीरपुरी साहब, आपके मौलाना
आपके हफीजुल्लाह साहब, हमारे अब्दुल हक खिलजी साहब, जो बड़े बड़े उलमाए कराम है हमारे, वो सब के सब जो है वो जामिया इस्लामिया से निकले हुए। वहां का एक दाई जो है वो इथियोपिया के अंदर हबशा से उसका ताल्लुक है, उसने जाके दावत देनी शुरू की, मेहनत की। एक ऐसे आदमी को मिलता है भाइयों जो अपने कबीले का राइस, ये सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने तकरीबन, और फिर उसके बाद उसने उसको दावत इस्लाम पेश किया। ये वो शख्स है जिसको उसकी कौम सजदा किया करती थी। उस आदमी को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और उसके बाद उसने इस्लाम को कबूल किया। आप अंदाजा फरमाएं कि उस एक आदमी की बदौलत 20,000 आदमी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम उसने कबूल किया। इथियोपिया के अंदर 20,000 आदमी जो है, क्योंकि वो रईस कबीला था, कबीले का सरबराह था, उसकी वजह से 20,000 आदमी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया। और अल्लाह जना खैर दे, सऊदी अरब के बाद इदारे जो है वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मदारस और मसाजिद जो है वहां पर कायम कर दिए। तो मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था वो ये है कि अपने आप को समझने की कोशिश करें। जमाना जो है वो हमारे कदमों की चाप का मुंतजर है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अब वक्त वो खत्म हो चुका है कि हम अकेले थे, मैं अकेला ही चला था जानवे मंडल, अब यहां मेरे राता और भी हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, आपको जाने की जरूरत है, आपको उठने की जरूरत है। अपने गिरबान को झांक के देखिए, हमने इस दावत को फैलाने के लिए क्या कुर्बानी दी, हमने क्या जदोजहद की है। मेरे भाइयों, अगर हम अपने गिरबान को झांकें, अपना मुहासबा करें, थोड़ी सी जदोजहद करें, उलमा के ऊपर अगर तनकीद करते हैं तो दूसरा पहलू भी देखें, उनको अनकद भी करें, दस्तकद ही ना करें, उनकी हौसला अफजाई भी करें, हौसला शिकनी ही ना करें, उनके दस्ते बाजू बने, उनकी मुश्किलात को है उनको देखे, उनको समझे, और इस दीन को, इस मसले को फैलाने के लिए जो है अपना रोल अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अदा फरमाए और आपको भी इसकी तौफीक अदा फरमाए। वह आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे हमारे मुअज्जज़ मेहमान मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब। अब मैं मुकामी मरकज़ी जमीयत हदीस बरतानिया के अमीर मौलाना सनाउल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना मंजूम कलाम पेश करें। मौलाना सनाउल्लाह साहब, मुअज्जज़ रफ़क़ाए कार, साल के बाद सिर्फ एक नज़म तैयार करता हूँ, वो भी सिर्फ कांग्रेस के लिए। मुझसे पहले मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब अहले हदीस हजरात के बारे की खिदमत या दुनिया के अंदर किस तरह यह तहरीक फैल रही है, किसी का तस्करा कर रहे थे, तो इसी सिलसिले में भी आप देखें कि यूरोप के अंदर जिस शख्सियत ने जमीयत अहले हदीस को मुतारफ कराया है वो मौलाना महमूद अहमद साहब मीरपुरी थे। आज हम सब जब कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं तो हर आदमी के जेहन में यही बात होती है कि ये बूटा भी उन्होंने लगाया हुआ है। असल चीज हमारे जेहन में उनकी शख्सियत नहीं बल्कि उनका वो पैगाम होना चाहिए, उनकी वो दावत होनी चाहिए कि जिसलिए, जिसके लिए उन्होंने इस मुल्क के अंदर वो तवज्जो की। तो उसी दावत के सिलसिले में कि उनकी दावत हम किस तरह आगे बढ़ाएं, किस तरह मुतारफ कराएं, तो हम सब के सामने वो किताबी शक्ल के अंदर भी मौजूद है। उनकी 3 कुतब शाया हो चुकी हैं जो बाहर मिल सकती हैं। हर वो साथी कि जो उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है उन्हें चाहिए कि वो किताबें खरीदे, ना सिर्फ खरीदे बल्कि दोस्तों साथियों को तोहफे तारीफ के तौर पर दे, ताकि उनकी वो दावत ही आगे बढ़े, उनका वो पैगाम सब तक
को पहुंचे और इसी तरह उनका लगाया हुआ पौधा तहरीरी शक्ल के अंदर सिरात मुस्तकीम और स्ट्रेट पाथ की शक्ल के अंदर भी मौजूद है। तो वो भी हम में से हर साथी ये कोशिश करे कि वो पर्चा खुद लगवाए और दूसरे साथियों को भी इस चीज़ की वो तरगीब दिलाए। तो मैंने अब दावती के सिलसिले में चंद अशार वर्ज किए हैं, इनमें से चंद नाम ऐसे हैं कि जिनकी मैं थोड़ी सी तशरीह कर देना ज़रूरी समझता हूँ। इमाम दारुल हिजरा सिमरात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह फातह कादियान सिमरात मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मरहूम, गजनवी सिमरात मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, सल्फी सिमरात मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी है। ये तमाम वो हजरात हैं कि जिन्होंने इस दावत को फैलाने के लिए और इस जमात को मुनज़्ज़म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। तो दावत के सिलसिले में ये बात अर्ज है, हमारी दावत तबली बिल्कुल सीधी सादा है, हमारी दावत तबली बिल्कुल सीधी सादा है, किताबों सुन्नत को अपना लो ये दावत सबसे आला है, किताबों सुन्नत को अपना लो ये दावत सबसे आला है, ये दावत सरवर हादी ने दी थी अहले मक्का को, ये दावत सरवर दीन दी थी अहले मक्का को, साहबा ने इसी की खातिर हिजरत की थी अबशा को, इमाम दारुल हिजरा ने भी मुकाला कराया था, इमाम दारुल हिजरा ने भी मुकाला कराया था, हजारों मुसीबतें झेली न सर अपना झुकाया था, शाह इस्माइल ने भी जान की बाजी लगाई थी, शाह इस्माइल ने भी जान की बाजी लगाई थी, दिया था खून उसने फिर ये दावत रंग लाई थी, दिया था खून उसने फिर ये दावत रंग लाई थी, इसी दावत की खातिर हम कभी बागीत कहलाए, इसी दावत की खातिर हम कभी बागीत कहलाए, इसी दावत की खातिर अपनों ने भी तीर बरसाए, फाते कादियों ने भी तमिर्ज़े को ललकारा, फाते कादियों ने भी तमिर्ज़े को ललकारा, गजनवी और सल्फी ने जमीयत को संवारा, गजनवी और सल्फी ने जमीयत को संवारा, इसी दावत को दुनिया में ज़हीर मीर ने फैलाया, ज़हीर सम्राट अल्लामा इहसान अली साहब है और मीर सम्राट प्रोफेसर साहब है, इसी दावत को दुनिया में ज़हीर मीर ने फैलाया, इसी दावत को महमूद
करता पहुंचाया, इसी दावत को महमूद ने यूरोप तक पहुंचाया, इसी दावत को फैलाने की कसम हमने खाई है, इसी दावत को फैलाने की कसम हमने खाई है। सुना ले सरिये नज़म भी की अपनी बनाई है, जमीयत ने ये महफ़िल भी इसीलिए सजाई है। अभी आप अमीर ज़मीयत से मंजूम कलाम सुन रहे थे हमारे असलाफ के बारे में। अब मैं हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत खिताब दे रहा हूँ। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फजीलतुश शेख अब्दुल्ला अल अरीफ़ी है। यहाँ पर दावती उमूर को सर अंजाम देने के लिए सऊदी अरब की जानिब से जो इंतज़ाम इंग्लैंड में किए गए हैं उसका एक मरकज़ी दफ्तर लंदन में है, और उस दफ्तर के ये इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं दावा ऑफिस के, और हमारी दावत पर यहाँ पर वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनका खिताब सुनेंगे। वलान नरजु मिन फजीलत शेख अब्दुल्ला अल अरीफ़ी अन युल्की कलिमतहु फलयतफद्दल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन्नल हमदुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم العرض الأكبر، وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين وعلى الآل والأصحاب ومن سار على النهج إلى يوم الدين، أما بعد أيها الإخوة، إن من عظيم فضل الله علينا أن نجتمع في هذا اليوم المبارك، نجتمع ونحتلق في حلق من حلق الإيمان وفي بيت من بيوت الله الواحد الرحمن، لنستمع ولنتذاكر ولنتشاور لعل الله أن ينفعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. شيخ نے سب سے پہلے اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک دن میں یہاں پر جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ حقیقت میں ہمارا یہ اجتماع ایمان کی کھیتیوں میں سے ایک کھیتی ہے۔ حقیقت میں ہمارا یہ اجتماع انتہائی بابرکت مقام میں ہے، تاکہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کی گفتگو کو سنیں، یہاں پر اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کو یاد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہماری دنیاوی اور اخروی اس میں منفعت شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اس کے قول کو سنتے ہیں۔ ایھا الاخوۃ فی اللہ، ان اللہ سبحانہ و تعالی حين خلق الخلق أراد منهم عبادته سبحانه وتعالى، تلكم العبادة المجردة من كل بدعة ومن كل شرك، ولهذا فإن هذا الخلق هو لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولكي يعرف الناس معنى لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة معاشر الإخوة من أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، لكي يعرفها الناس ويؤمنوا بها ويعملوا بها ويؤمنوا بها الإيمان الخالص المجرد من كل بدعة ومن كل زيغ أو ضلال۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کو جو پیدا کیا
तो उसका मकसद ये है कि सारी दुनिया इंसानियत उसकी इबादत करे, ऐसी इबादत जो तमाम शिर्क और बिदात के उमूर से पाक और साफ हो, जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार होता हो। और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हकीकत में ये वो दावत है जो अंबिया लेकर यहाँ मबूस फरमाए गए थे दुनिया में। और इसी दावत को फैलाने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने किताबों को नाजिल फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाए, अल्लाह ताला ने जन्नत और दोजख बनाई ताकि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अल्लाह ताला के बारे में मालूमात हासिल करें। وكما تعلمون أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك ذنب عظيم فالشرك أعظم ذنب يرتكبه البشرية لأن اتخاذ شريكا مع الله هذا أمر مخرج من الملة وفاعله مستحق للعقاب الخالد في نار جهنم ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل والأنبياء متتابعين لكي يوقظ الناس ولكي يرشد الناس إلى توحيده الخالص سبحانه وتعالى। برادران اسلام, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनको माफ़ फरमाता है, लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा, और उनमें से एक सबसे बड़ा अजीम गुनाह शिर्क, अल्लाह ताला के साथ शिर्क का करना है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जितने चाहे गुनाह माफ़ फरमा सकता है, लेकिन शिर्क को गुनाह को माफ़ नहीं करता। शिर्क वो अजीम गुनाह है, वो इतना बड़ा गुनाह है कि उसका इर्तिकाब करने वाला हकीकत में वो मिल्लत से खारिज हो जाता है, और हकीकत में वो अल्लाह ताला के अज़ाब का मुस्तहिक हो जाता है और नारे जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह ताला ने लोगों को इस अज़ाब से बचाने की खातिर अपने अंबिया मबूस फरमाए, और वो अंबिया मुसलसल यही दावत देते रहे कि लोग अल्लाह ताला के साथ तौहीद के अकीदे में मजबूत हो जाएँ और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाए रखें। ومن أعظم الأسباب أيها الإخوة الموصلة والموردة إلى الشرك وتبعاته هو عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى وعدم توقير الله جل جلاله وعدم تقديس الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فمعاشر الإخوة والله ثم والله ما عظم الله حق تعظيمه من أشرك به ولا قدر الله حق تقديره من سأل غيره ولا أيضا قدس الله حق تقديسه من طاف بالقبر أو سأل غير الله أو نذر لغير الله سبحانه وتعالى। मेरे दोस्तों, हमें उन असबाब से अपने आप को दूर रखना चाहिए, उन असबाब से अपने आप को बचाए रखना चाहिए जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क की तरफ ले जाते हैं। और अल्लाह ताला के साथ शिर्क को ले जाने वाले अहम असबाब में सबसे अहम तरीन सबब वो ये है कि हम अल्लाह ताला की उस तरह तआज़ीम न करें जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमें तआज़ीम करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला की उस तरह से हम इज्जत न करें, अल्लाह ताला की कदर को न पहचाने और उसकी तकदीस न करें जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया है, तो यहीं से अल्लाह ताला के साथ शिर्क का इर्तिकाब जारी हो जाता है। अल्लाह ताला ने सिलसिले में कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा भी फरमाया है कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला की वहदानियत की कदर नहीं करते, अल्लाह ताला की ज़ात की कदर नहीं करते, वो जिस तरह कदर करनी चाहिए जबकि अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में तमाम ज़मीन और आसमान हैं। और शेख ने कहा कि हकीकत में वो लोग जो अल्लाह ताला के अलावा किसी गैर के आगे हाथ फैलाते हैं, वो लोग जो काबतुल्लाह के अलावा किसी और जगह की तवाफ़ करते हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और से अपनी मुरादें मांगते हैं, हकीकत में वो अल्लाह ताला की तआज़ीम नहीं करते, अल्लाह ताला की तकदीर तकदीस वो नहीं करते। ومن عظيم فضل الله علينا أيها الإخوة في الله أننا ولله الحمد عرفنا الحق المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن لسنا مبتدعون ولسنا نتبع أقوال الرجال
أمامنا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير التابعين ومن قبلهم الأصحاب رضوان الله عليهم، فهؤلاء نقتفي آثارهم وهؤلاء نأخذ من معينهم، فنحن لسنا زائغين ولسنا نتبع ما يقوله الأشخاص دون النظر إلى المعدن الأصلي وإلى النبع الكريم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ہم پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائی، اور حق کی پہچان ہمیں اس شکل میں عطا فرمائی کہ ہم نے اپنے دین کو کتاب اور سنت سے اخذ کیا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں کوئی اور ماخذ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے دین کو اخذ کرتے ہیں. میرے دوستو، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بدعات سے دور ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان مبتدئین میں شامل نہیں ہیں جو دین کو ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے، یعنی کتاب اور سنت کے علاوہ کسی اور چیز سے اخذ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا اپنا جو منہج ہے، ہمارا اپنا جو طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ ہماری اپنی دینی رہنمائی میں ہم کتاب اور سنت کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. اور اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اکرام کی سیرتوں کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ان کے علاوہ دوسری شخصیات کو یا دوسرے لوگوں کو اپنا مقتدا تسلیم کر لیں اور ان کے پیچھے چلنے لگے. ومن شكر نعمة الله عز وجل علينا أن وفقنا لهذا الدين الكريم وللعقيدة الصحيحة، من شكر هذه النعمة أيها الإخوة في الله أن ندعو إليها الآخرين وأن نهدي إليها الضالين وأن نرشد إليها الزائغين عن الصراط المستقيم. وما أكثرهم حقيقة في هذا الزمن معاشر الإخوة، فالحمل علينا كبير والثقل علينا لا يخفى عليكم، لأن الناس الذين يراد لهم الخير كثر، والناس الذين اتخذوا غير طريق الحق كثر. فهؤلاء يجب علينا مجتمعين متكاتفين أن ندعوهم إلى الطريق الواضح، طريق أهل السنة والجماعة. میرے دوستو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر کہ ہم ایک صحیح عقیدے پر کاربند ہیں، ہم صحیح عقیدے کے حامل ہیں. لیکن اس نعمت کا شکریہ ہم کس طرح ادا کریں گے؟ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم جس عقیدے پر کاربند ہیں، جس عقیدے کے ہم حامل ہیں، اس عقیدے کی طرف ہم دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف ہم بلائیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، جو صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ چکے ہیں. اور خاص طور پر اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح عقیدے پر کاربند ہیں، جتنا زیادہ ہمارا عقیدہ درست ہے اتنا ہی زیادہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لگائیں. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بھٹک چکے ہیں، بہت سارے لوگ راستہ گم کر چکے ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف لے آئیں. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الناس قولا وأصدقهم قولا وقيلا هو الذي يدعو إلى الله عز وجل، يدعو على بصيرة وعلى هدى وعلى صراط مستقيم، يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى ويدرس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق ويبلغها إلى كل الناس وخاصة الذين ضلوا عن الطريق المستقيم. وقد بين الله عز وجل فضل هؤلاء الداعين بأنهم هم خلفاء الأنبياء والمرسلين، وهم أيضا حملة لواء الحق يوم القيامة، لأن الدال على الخير كما قال صلى الله عليه وسلم كفاعله. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں وقف کر دے اور عمل صالح اختیار کرے اور اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس اللہ تعالیٰ کی آیت سے یہی مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، قولی اعتبار سے اور اپنے
जबान के एतबार से वो सबसे बेहतरीन शख्स है जो बसीरत की बुनियाद पर और हिदायत की बुनियाद पर अल्लाह ताला की किताब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ दावत देता है और लोगों को उसकी तरफ बुलाता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो राह हिदायत से गुमराह हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे ही लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला की दावत पर कारबंद हैं, उस अमर पर कारबंद हैं, अल्लाह ताला ने उनको अंबिया के खलीफा और मुरसलीन के खलीफा कहा है, और यही वो लोग हैं जो क़यामत के दिन हक की झंडी उठाए हुए वो अल्लाह ताला के सामने रूबरू हाजिर होंगे। وقد تعرض أيها الإخوة في الله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حين أراد أن يبين للناس الحق والحقيقة تعرض لكثير من الأذى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يدعو الناس إلى الطريق المستقيم، إلى عبادة الله الحق، إلى توحيد الله في ألوهيته، إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته، إلى توحيد الله في ربوبيته سبحانه وتعالى. فكان جواب قومه أن اتهموه فقالوا هو كاذب، وقالوا هو ساحر، وقالوا هو غير صادق، وقالوا هو مجنون، بل وشجوا رباعيته كما في معركة أحد، بل ورمي في عرضه صلوات الله وسلامه عليه، واتهم بتهم تقشعر منها الجلود، ومع ذلك فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فكان من ثمراته صلى الله عليه وسلم أن انتشر الخير في الأمة حتى إلى هذا اليوم، ونحن ولله الحمد نرى منارات الإسلام في كل مكان، في الصين وفي الهند وفي الباكستان وفي الجزيرة وفي مصر وفي هنا في بريطانيا وفي غيرها، منارات ترفع ذكر الله عز وجل وتكبر في الصباح وفي المساء. أسأل الله أن يوفق هؤلاء جميعا. دوستو، جس دعوت کے ہم حامل ہیں اور جس عقیدے کے ہم عامل ہیں، اس کے بعد ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس عقیدے کو دوسروں تک پھیلائیں۔ لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جب آپ اس عقیدے کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ آپ پر پھولوں کو نچھاور کریں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی دعوت کو سننے کے بعد لوگ ہمیشہ آپ کی مخالفت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا قدوہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کی طرف بلایا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو اس وقت ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف تہمتیں لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہا، آپ کو جادوگر اور ساحر کہا، اور آپ کو مجنون کہا، اور احد کا واقعہ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرکت کی تھی، اس میں آپ کے جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، کیا یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کو پہنچائی گئی تکالیف اگر ہمارے سامنے ہو، تو اس دور میں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے ہمیں جو انتہائی معمولی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل برداشت ہو سکتی ہیں۔ اور میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم احسان ہے کہ آپ نے اتنی تکلیفیں سہ کر اور ان کو برداشت کر کر آپ نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا، اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا، اور اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اور اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ دین کی یہ آواز نہ صرف عرب ملکوں میں بلکہ چین سے لے کر، پاکستان سے لے کر، مصر سے لے کر برطانیہ تک آپ کو یہاں کے میناروں سے اذانوں کی بلند ہوتی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عظیم احسان ہے۔ اب اس عظیم احسان کو ہم اسی وقت چکا سکتے ہیں جبکہ ہم اس دین کو مزید اپنے طور پر آگے بڑھائیں، اس عقیدے کو مزید آگے بڑھائیں۔ ومما ایوہا الاخوہ ینبغی ان یحرص علیہ کل داعی للحق وكل مبلغ عن الله أن يراعي كتاب الله وسنة رسوله، وأن تكون وأن يكون هما مصدره في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، أن يخلص عبادته وعمله لله عز وجل، فالذي يؤجره والذي يعطيه الجزاء هو الله سبحانه وتعالى،
أما الناس فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وكذلك أيها الإخوة أن يحرص على اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو في منهجه أيها الإخوة الدليل الواضح والنبراس القوي لكل متبع للحق. ऐसे मौके पर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो अकीदे की इस दावत को दूसरों तक पहुंचाने का जिम्मा अदा कर रहे हैं, उनको सबसे पहले इस दावत के मामले में इस बात का ख्याल रखा जाए कि उनकी दावत किताब और सुन्नत पर मबनी हो, इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी ना हो कि जिससे वो दावत को अर्ज़ करते हों। और दूसरी चीज़, उनके अंदर इखलास का होना भी ज़रूरी है, यानी हम जो कुछ भी काम कर रहे हों उसका जजा, उसकी जजा और उसका सवाब हम सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करें। ये बात याद रखिए कि दुनिया में कोई शख्स किसी चीज़ का मालिक नहीं है, दुनिया में कोई शख्स किसी को नफ़ा या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम किसी से कमन सही मानों में अल्लाह ताला ही के जरिए हम ये तमन्ना रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ हम अमल कर रहे हैं उसकी जजा अता फरमाए। और तीसरी चीज़, हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि दावत के काम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज को अपनाया जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की पैरवी की जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की अगर पैरवी हम करें तो आपका मनहज इस कदर वाज़ेह है कि हम खुद ब खुद अपने दरमियान पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ इख्तलाफात से छुटकारा पा सकते हैं। وأن يكون كذلك الداعية حكيما في قوله وحكيما في نطقه، فهو ليس بالمتسرع وبالمتعجل، وكذلك ليس هو الساكت عن الحق والكاتم له، بل هو وسط ينطق بالحق ويرشد الناس إلى الحق. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون الداعية صابراً على الحق، فالدين دين الله، والله سبحانه وتعالى تكفل أن ينصر أهل الحق، فلا بد من الصبر، فقد صبر الرسول وصبر الأصحاب والتابعين، فكانوا رضوان الله عليهم أن نشر، فما كان منهم إلا أن نشروا الإسلام بالصبر وبقوة العزيمة. فكذلك نحن لا بد أن نكون مثلهم. قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأردف الصبر بعد الحق لأن الحق يحتاج إلى صبر. मेरे दोस्तों, एक दाई को जो मुबल्लिग हो और दावत का काम अंजाम दे रहा हो, अपने कौल और अमल में एक जैसा होना चाहिए और उसमें एतदाल होना चाहिए। वो ना ही ज़्यादा सख्ती से काम ले और ना ही ज़्यादा नरमी से काम ले, बल्कि वो वसत में रहे और उसकी ज़ुबान से जो भी निकले वो हक का कलिमा निकले, इसके अलावा और कुछ ना निकले।